पता नहीं भाई कहाँ है क्या है, कुछ पता तो चले कम से कम। रास्ता यही डाल दिया भाई ने, बता भी यही करा है। अब यहाँ से कहाँ, बिल्कुल हरिद्वार वाली वाइब आ रही है यहाँ पे तो, उत्तराखंड की, मेरे पूरे उत्तराखंड की वाइब आ रही है। तो भाई बहुत चीज़ें चल रही हैं अभी तक तो, खैर दिमाग में क्या कहें इसके बारे में। हर आदमी अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, क्यों सो भाई साहब सब लोगों के क्या हाल है, और शुरुआत हो चुकी है अपने एक नए दिन की। आज थोड़ा सा ज़रा सर्चिंग चल रही थी अपनी इस मोटे की, ये भैंस हमारी पड़ी रहती है ऐसी 24 घंटे ऐसे ही पड़ी रहना, इसका काम सिर्फ यही है, यहाँ पे सिर्फ पड़ी रहना हमारा, और या फिर खेलना है इसको हमारा पबजी। सो फाइनली गाइस अभी एक जरा नई लोकेशन के लिए थोड़ा सा मैंने जरा सर्च किया है, थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप की है अपनी, और उससे पहले भी अपने को 2-3 जगह देखना है। बाइक की सर्विस का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो लेके निकलते हैं जरा फटाफट पहले अपनी BMW को रास्ते पे सड़क पे घुमाने के लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि आज अपने को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है। 3:30 बज रहे हैं अभी दोपहर के, और यहाँ से जहाँ पर अभी हम जाना चाह रहे हैं वहाँ का सफ़र है मुश्किल से 20-25 किलोमीटर का, तो मतलब 20-25 मिनट का रास्ता, सॉरी एक्चुअली 20-25 किलोमीटर गलत भूल गया। और रायपुर से अभी जरा हम निकल रहे हैं आगे की तरफ, पहले जरा पहुँचता हूँ दिखाता हूँ बाइक के पास कि हमारा क्या सिस्टम आज का रहने वाला है। चले भाई, अच्छा आधार कार्ड उधार रास्ते में कोई पकड़ लेगा तो चलो चलो चलो। मेरे गाइस पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास, और बाइक की कंडीशन जो हो रही है वो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब, जो कि इसकी चैन को लेकर लग रहा है। विशाल भाई पहले जरा इसका वो ले लेता हूँ जरा चैन स्प्रे ना, बाकी काम बाद में करते हैं, और सीधा मिलता हूँ जरा पहले आपको GoPro के ऊपर, क्योंकि कहाँ जाना भी पहले जरा वो डिसाइड कर लेते हैं। पहले मोटी का जरा इसका वो लेता हूँ चैन स्प्रे, चैन साफ़ हो जाएगी ना तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, फिर उसके बाद देखेंगे आगे का सीन क्या होने वाला है। ठीक है ना बेटा, ठीक है। सो फाइनली भाई लोग अभी जरा इस जगह से राइडो जोन है ये अपना तेलीबांधा की तरफ रायपुर में, यहाँ से अभी ज़रा मोटूल का चैन स्प्रे मैंने ले लिया है, और अभी सोच रहा हूँ ज़रा एक बार जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचे तो ज़रा चैन स्प्रे करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़रा वो। सो फाइनली भाई लोग अभी ज़रा निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। थोड़ा सा एक्चुअली ज़रा मन था थोड़ी सी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ थोड़ा सा यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह देखने को अपने को मिल जाए, और बहुत देर की थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चला कि यहाँ पर अच्छी एक छोटी सी ऐसी जगह है जहाँ पे जाया जा सकता है, तो अभी तो वहीं पे निकल रहे हैं। और वाहेगुरु जी तो खालसा, वाहेगुरु जी तो वाहेगुरु जी, हमेशा ऐसी अपनी कृपा बरसाए रखना, कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर। धमतारी वाली साइड है या NH30 जंगलपुर, पता नहीं कौन कौन सा रास्ता है ये, तो ज़रा यहाँ पर चढ़ गए हम। तो भाई लोग ये है यहाँ पे लोक निर्माण विभाग आपका स्वागत करता है, और रायपुर सिटी बहुत ही ज़बरदस्त लगी अभी तक तो, खैर मुझे मज़ेदार जगह है, मतलब एक तो रश कम है और ऊपर से जो रोड्स हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मतलब मज़ा आ गया रोड्स पे। सो फाइनली भाई लोग वहाँ से निकलने के बाद अभी तो अपन लोग जरा आगे कुछ ऐसी ऐसी जगह पे, रोड की कंडीशन थोड़ी सी जरा ऐसी लग रही है यार मुझे कि गांव टाइप का एरिया एक्चुअली में थोड़ा सा, और शाम भी हो गई है तकरीबन 4:15 बज चुके हैं ऑलरेडी, और देखते हैं यार अभी, ये तो गूगल मैप बता रहा है वैसे 3 किलोमीटर के आसपास। थोड़ा सा ज़रा अभी दिमागी ख़राब हो रहा है क्योंकि पूछ भी लिया और रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा, जिस वीडियो के थ्रू आए थे भाई, यार वीडियो कम से कम ऐसी बना दिया करो मेरे भाई कि रास्ता थोड़ा सा ज़रा सही लगे। पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा रास्ता बता रखा है, ठीक उसी रास्ते पे खड़े हैं लेकिन रास्ता लोग कह रहे हैं यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी ऐसा। अगर यार कोई लोकेशन बता रहे हो भाई वीडियो बनाने के लिए तो कम से कम ऐसी बनाओ कि अगला बंदा देख के वहाँ पे आराम से चुपचाप पहुँच तो जाए, रास्ते में 10 जगह पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और भाई सच में आज इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा ना, इतना मूड ख़राब हो रहा अभी क्योंकि ये देख लो 6:09 पर हम 4:09 पर तकरीबन यहाँ पहुँच गए थे, और 10 मिनट से अभी यहाँ खड़े खड़े हो गए लोगों को समझाने में ही हमें कि भैया ऐसी ऐसी जगह जाना है हमें, पता नहीं लोग कह रहे यार यहाँ से आगे जाके है क्या नहीं, मेरा तो सच में मूड ख़राब हो रहा है यार, पता नहीं भाई कहाँ है क्या है, कुछ पता तो चले कम से कम। रास्ता यही डाल दिया भाई ने, बता भी यही करा है, अब यहाँ से कहाँ जाया जाएगा ये तो बता दे कोई ज़रा, ऐसे ढूंढने को थोड़ा ना मिलेगा यार। रुकते हैं ज़रा यार, अभी कुछ इस तरीके की जो वीडियो देख के आया था भाई, मैं पता नहीं क्या सीन है इसका, भाई ने क्या माना बस्ती क्या लिख रखा है, कुछ एड्रेस
कुछ तो लिखता कम से कम यार मेरे भाई, क्या है यहाँ पे, क्या लिख रखा है, वीडियो बना के रख दी बस इसमें, कुछ है इसमें। वहाँ से निकलने के चक्कर में आप फिर से वापस, क्या बकवास चीज़ है यार, कसम से क्या बकवास चीज़ है भाई, कसम से अगर वीडियो बताते हो तो कम से कम ऐसी बना दिया करो कि अगर बंदे को किसी को जाना तो लोकेशन पे चला जाए, और नहीं जा सकता कोई बंदा तो साफ मना कर दिया करो, जैसे मैं मना कर देता हूँ भाई यहाँ पे लोकेशन पे पहुँचने रात में या किसी वक्त ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं लोकेशन बताता ही नहीं, और जब बताते हो तो कम से कम यार उसमें प्रॉपर चीज़ें तो डाला करो कम से कम। हद है यार, कोई बंदा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, क्या सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी यार। कुछ हो गया जंगल साइड, मैं कौन सी जगह वो तो नहीं मिला बेटा जंगल, तू जरूर पिट जाएगा यहाँ पे। तो भाई फाइनली अभी कुछ ऐसी जगह पे आके रुके हैं, अपना गाड़ी की जरा कर दूँ बंद, थोड़ी देर रुके यहाँ पे, जरा थोड़ा मूड वगैरह फ्रेश करते हैं। रायपुर अभी यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर रह गया है, और सही है भाई मूड पूरा खराब हो चुका है, पूरा हद से ज़्यादा ख़राब जैसे कहते हैं ना। भाई कैमरा पकड़ लिया हमारे छोटे भाई ने, और इसे कर दो यादव जी, कितनी देर हो गई अभी, मैं आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो चुका है, और बाइक की भाई जो मेंटेनेंस है उसे करने में इससे ज़्यादा का ही टाइम लगता है, और अभी हमें तकरीबन इसमें आधा घंटा और लगने वाला है, 100% की बात है। क्यों यादव, क्यों यादव जी, आधा घंटा लग ही जाएगा इसमें बना। अभी बताओ बिग बॉस में कौन जीतेगा? भैया ही जीतेगा, सिस्टम ही सिस्टम, ठीक है ना। वो फाइनली गाइस मूड तो हो ख़राब हो ही गया था हमारा, क्या करते हैं, लेकिन आया और बाइक की थोड़ी सी मैंने ज़रा सर्विसिंग करी। अभी आए हैं हमारे साथ युवराज भाई भी आ रहे हैं, बैंक तो ये हमेशा खुला ही रहता भाई, आए हैं ज़रा अभी कपड़े कपड़े चेंज करता हूँ ज़रा, फिर उसके बाद थोड़ी देर में ज़रा यहाँ से निकलेंगे थोड़ी सी आगे, भाई जाएंगे अभी थोड़ी देर में ज़रा घर पे, भाई भी ज़रा कपड़े कपड़े चेंज करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे ज़रा शहर भ्रमण की तरफ। अभी हम रूम पर आ गए हैं, रिशु का भाई हमारे यहाँ पता ही ना है। सो फाइनली भाई लोग अभी पहुँच चुके हैं ज़रा अपने घर पर, थोड़े देर कपड़े कर चुके हैं चेंज जैसे अभी आपको बताया था, और हमारा रिशु कर रहा है जरा थोड़ी देर आराम, और फाइनली अभी जरा हम निकलेंगे शहर के भ्रमण की तरफ। आज आपको एक नई जगह लेके चलूँगा रायपुर शहर के अंदर, एक सेकंड बंद कर लिए भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जिस वीडियो को देख के मूड भी हमारा ख़राब हुआ, और इस वजह से मैंने सोचा कि अगर आज आपको रायपुर में आया हूँ तो एक दो जगह ऐसी बता दूँ कि आपको कौन सी ऐसी जगह है जो घूमनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी चलते सीधा डाला अपने एक नई जगह की तरफ जो कि रहेगा शायद महादेव घाट मेरे हिसाब से, जो मुझे पता है, और एक दो जगह भी और चलनी है जो यहाँ पर थोड़ी सी जगह अगर आप आते हैं बाहर से तो घूमने लायक शायद हो सकती है आपके लिए। तो आइए चलते हैं जरा साथ में, भी चल रहे हैं जरा हमारा युवराज भाई कर रहे हैं जरा वेट वहाँ पे, और तब तक एक चीज़ का ध्यान रखना, सपोर्ट कीजिए हमारे एल्विश भाई को सिस्टम। तो चलते हैं जरा, निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि हमारा युवराज भाई कर रहे हैं जरा वेट, बाइक रख दी है हमने फाइनली अपनी पूरी क्लीनिंग करके, क्योंकि उसकी चैन भाई बहुत दिनों से जरा ऐसी और की थी खराब। अभी आने के बाद मैंने उत्तराखंड से अब तक एक महीना तकरीबन मुझे हो चुका है यहाँ पे, और अब तक गाड़ी को वॉश भी नहीं कराया, टाइम नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन अभी सही ढंग से मुझे दिन का टाइम पूरा मिल गया, मैं उस दिन आराम से पहले पूरी बाइक को अपनी वॉश कराऊंगा, और उसके बाद अपनी एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की तरह थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में एक शायद आपको एक नया साथी अपनी फैमिली में जुड़ता हुआ मिले, मतलब बाइक या कार जो भी हो उस हिसाब से देखा जाएगा अभी किस हिसाब से अपने को क्या चीज़ प्रेफरेबल लगती है, जिस चीज़ का हमें यूज़ भी हो और जिस चीज़ का हम अपने YouTube में भी काम ले पाएँ। तो कमेंट सेक्शन करके ज़रा ज़रूर बताना आप सब लोग कहाँ से हैं, क्या उत्तराखंड से भी, और जो हमारे छत्तीसगढ़ से भी हैं क्या वो लोग अपना ब्लॉग प्रॉपर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, और अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रा ज़रूर करके बताइए। किस दिन ज़रा मिलने का प्रोग्राम भी रखते हैं अपना छत्तीसगढ़ के अंदर, और एक परफेक्ट जगह बता दीजिएगा आप सब लोग कि कहाँ पर अपने लोग जो है मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी अपना जंगल वाले ब्लॉग्स आने में थोड़ा सा लगेगा हमें हमारा टाइम, टाइम का मतलब ये है क्योंकि अभी चल रहा है आपका यकीन मान के चलिए अगस्त का महीना और मानसून का सत्र है, तो इस वजह से जो आपके जंगल वाली जगह हैं जहाँ पे जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, बीच हो गया, या फिर एक दो जगह और है जिनके बारे में मैंने सर्च करा है तो वो भी बंद है मानसून की वजह से। मानसून के बाद जैसे ही खुलेंगी सबसे पहले हमारा विजिट वहाँ की जरूर रहने वाली है। तो निकलते हैं यार, बहुत ज़्यादा लंबी बातें चोरी हो गया, थोड़ा सा पी की बात करने का मन भी कर गया, कोई नहीं जरा जल्दी जल्दी निकलते हैं, पहुंचते सीधे जरा अपनी महादेव घाट की तरफ, दिखाते हैं वहाँ के नए सीन क्या रहने वाले। भाई ये जगह हमेशा ऐसे ट्रैफिक से रहती है, उस तरफ अपने होटल से आया हूँ और अभी वेट कर रहे हैं जरा हमारे, हमारा युवराज भाई खड़े हैं अपनी स्कूटी पे, कहते हैं तुम्हारे जा रहे हैं हम कुछ ऐसी सी जगह, गाड़ी जो है मोड़ी जा रही है और रोड भाई पता नहीं कैसी चोरी की है, छोटी की है, ऐसी सी जगह पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे भाई। मेरा देख रहे कहाँ उतार रहा भाई हमारा, रायपुर का पानी रुक ही नहीं रहा।
हड्डियां दूध और चाय सब खत्म, भाई ने पूरा एड्रेस अपने को बता दिया, जब भी आओ एक बार रायपुर छत्तीसगढ़ तरीके के सीन आया अभी हमारा और ये आ चुकी है, लेकिन अभी साउंड चल रहा है ज्यादा नहीं बना रहा। तो फाइनली भाई लोग यहाँ से तो अपने जरा निकल गए हैं, अभी चल रहे हैं जरा दूसरी जगह की तरफ। युवराज भाई ने बताया नहीं अभी जरा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चलेंगे तो आएंगे भाई, मस्त जगह। थोड़ा चेहरे पर रोशनी आ रही है जब आगे से गाड़ी आ रही है, इससे तो कुछ ऐसा सीन है ना, मस्त एकदम चलें। अपन और गौ माता जी खड़ी हैं बीच में, बढ़िया जगह है, ये घाट है यहाँ का भाई, बिल्कुल हरिद्वार वाली वाइब आ रही है यहाँ पे तो, उत्तराखंड की, मेरे पूरे उत्तराखंड की वाइब आ रही है। तो सही में ज्यादातर जो धार्मिक स्थल है ना उनमें सबसे बेस्ट अगर बोला जाए अच्छा तो मेरे को लगता महादेव, बहुत ही बढ़िया। स्कूटी चल रही है अपनी और महादेव घाट, सावन का महीना भाई, और क्या चाहिए। कोशिश तो करेंगे भाई जाने का, बिना कोशिश कर तो कोई फायदा नहीं है। और भाई फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं जरा महादेव घाट की तरफ, जो कि है रायपुर आपका पश्चिम क्षेत्र में। जो संयोजक है वो है हमारे युवराज भाई, और इस जगह की इस तरीके की कुछ अभी तरह जगह है ये, और ऊपर है मेरे ख्याल से वो पुल है ना भाई, बिल्कुल हरिद्वार, हरिद्वार ऋषिकेश वाली वाइब आ रही है बिल्कुल मुझे। हरिद्वार ऋषिकेश में अपना लक्ष्मण झूला है जैसे, बिल्कुल सेम सामने से वैसे झूला जा रहा है अभी। अपने आ चुके हैं जरा अभी महादेव घाट, श्री शिव जी के मंदिर की तरफ, और युवराज भाई अभी हमारे साथ चल रहे हैं आगे की तरफ मंदिर में, हम एंट्री ले चुके हैं। बहुत ही जय भोलेनाथ भाई, बहुत चीज़ें चल रही हैं अभी तक तो खैर दिमाग में, क्या कहें इसके बारे में। हर आदमी अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, क्यों युवराज भाई ये अपने आप ही बताया है। हाँ अभी बताया, अभी वही बात कर रहा था कि अगर कोई आपसे जुड़ा है तो आपके फ़ायदे के लिए जुड़ा है, बचपन के दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं मेरे हिसाब से, क्यों युवराज भाई सही है ना। और आजकल का पता क्या चल चलन हो गया कि अगर किसी को आपसे फ़ायदा है तो तब तक आपके साथ है जब तक आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती, और जिस दिन आपके ऊपर मुसीबत आई तो क्या करेंगे लोग, छू मंतर समझ गए ना, छू मंतर हो जाएंगे दो सेकंड के अंदर। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिए, अपने जो दोस्ती आ रही है वो बिल्कुल परख के सोच समझ के, क्योंकि दोस्ती दो तरफ से होती है, सिंगल तरफ से नहीं होती है, तो ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में अभी चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी लास्ट के कुछ टाइम में मैंने देखी हैं, समझा है, और कुछ चीज़ों में चेंज किया है, वो सब आपको दिख भी रहा होगा शायद इस ब्लॉग के थ्रू कि क्या चीज़ें चेंज हैं। तो सब लोग समझदार हैं, ये समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है या क्या, खैर वो तो सब एक तरफ का पार्ट है। और अगर कोई आपसे जुड़ा है तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ बिल्कुल। युवराज मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर वो ऐसा अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि वो कहीं पर गलत है। नहीं समझे नहीं, अगर जो आपसे जुड़ा है तो आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखेगा। हाँ ठीक है, जो आपसे जुड़ा है वो कभी आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखेगा, और जो अगर कोई उम्मीद रख रहा है तो समझ जाओ समझ गए। भोलेनाथ के पास आके तो भाई हम अच्छी अच्छी बातें कर, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महादेव। भोलेनाथ के पास तो आके भाई हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, ऐसे बहुत मन है अभी मतलब जंगल वगैरह में जाने का, तो अभी बताता हूँ जरा, पहले मंदिर से वहाँ निकलता हूँ तब दूसरी बातें करते हैं अपनी। अभी आ चुके हैं कुछ ऐसी जगह पर अमृतुल्य, और स्टेशन रोड है ना मेरे ख्याल से, तो कभी मतलब स्टेशन रोड की साइड में, और फाइनली भाई आके जरा पी रहे हैं जरा चाय, और क्योंकि टाइम हो गया तकरीबन रात के 4:30। यहाँ पे यार हर जगह मतलब चाय वालों का ना अमृतुल्य, ऐसा क्यों अमृतुल्य ने भाई पूरा ब्रांच खोल रखा है पूरे शहर में, मज़ेदार जगह है। और ऐसी जगह है ये, क्या नाम है जगह का, ये सिमरई हेरिटेज वगैरह करके है। ये हमारे युवराज भाई चाय लेने आए हैं, चाय पिलवा। बात है ऐसी, नहर पार है भैंसी मुजफ्फरनगर में, अगर कोई हो तो देख लेना, जगह वागे बहुत ज़बरदस्त है। अभी जो बातें बताई हैं जैसे निकली बातें भाई, सब लोग ध्यान रखना, कोशिश कर रहा हूँ ज़रा कुछ नया चीज़ कंटेंट लाने की, थोड़ा जंगल वाले ब्लॉग्स भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जिस दिन से भी अपन को टाइम मिलेगा उस दिन से अपने जो जंगल वाले ब्लॉग्स हैं वो ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे,
बस वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि किस दिन अपने को टाइम मिलता है तो जाएं जरा जंगल की तरफ। थोड़ा सा अलग कंटेंट भी देख रहा हूँ कि यार जरा अगर रायपुर शहर में अगर हम हैं तो क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो अभी तो पहले जरा चाय पीते फिर बता दो चाय पीते पीते चीज़ है कि नहीं। हमारी ऑल टाइम फेवरेट चाय आ चुकी है। अंकल जी इतना शोर मत मचाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बंद होने का टाइम हो गया मेरे ख्याल से 11-12 बज गए यहाँ पे, 12 बज गए। चाय पीते हैं भाई, निकलते हैं फिर अपनी स्कूटी पे आगे के सफर के लिए।